वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ 8085 प्रोसेसर क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंटेंट्स एंड फ्लैग स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड थ्री चीजें पूछी हैं थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट हमें ईच इंस्ट्रक्शन की मेमोरी लोकेशन फ़ाइंड आउट करनी है सेकेंड हमें कंटेंट्स पता करने और थर्ड हमें फ़्लैग स्टेटस पता करनी है तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फाइंड करना इसकी मेमोरी लोकेशन ठीक तो जब हमें मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करनी है तो आइदर यू कैन टेक एनी लोकेशन स्टार्टिंग नंबर ऑफ टू से ले सकते हो थ्री से ले सकते हो ठीक है बट ये मैं यहाँ पर जो लोकेशन यूज़ हुई है वो क्रॉस क्रॉस फाइव फाइव यूज़ हुई है तो मैं स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन की लोकेशन भी वैसे ही ले लेती हूँ मेमोरी लोकेशन ठीक सपोज मैंने ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया क्रॉस क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो एच पर ठीक है ठीक नाउ एल एक्स आई इज़ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन ये तीन बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी ज़ीरो जीरो प्लस जीरो थ्री मीन्स की एम बी आई की जो लोकेशन होगी वो होगी क्रॉस क्रॉस ज़ीरो थ्री एम बी आई इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन तो इस एम बी आई की लोकेशन क्या होगी एम की प्रेजेंट लोकेशन क्या है 03. इसमें हमने प्लस 02 किया तो हमें क्या मिलेगा ना दिस एम बी आई इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन तो नाउ एड के लिए क्या लोकेशन होगी एम बी आई की है क्रॉस क्रॉस जीरो फाइव और दिस इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन तो हमने इसके साथ टू एड किया तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी जीरो सेवन तो यहाँ क्या होगा क्रॉस क्रॉस जीरो सेवन ठीक नाउ एड की लोकेशन क्या है जीरो सेवन और एड इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर क्या एड्रेस होगा क्रॉस क्रॉस जीरो सेवन प्लस वन ठीक है वन ऐड किया तो हमें क्या लोकेशन मिल गई जीरो एट मीन्स कि एस टी ए का एड्रेस क्या होगा क्रॉस क्रॉस जीरो एट क्लियर नाउ अब एस टी हमारा कितनी बाइट का इंस्ट्रक्शन है एक्स एक्स जीरो एट पर एस टी ए है नाउ एस टी एज ए थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो इसके साथ आप थ्री ऐड करो एट प्लस थ्री इलेवन और इलेवन को हम क्या लिखते हैं बी जीरो क्रॉस क्रॉस ठीक है तो एड्रेस क्या हो जाएगा क्रॉस क्रॉस जीरो बी ठीक दिस इज द मेमोरी लोकेशन फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ठीक वन मोर थिंग मैंने जो यहां इंस्ट्रक्शन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं याद है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट तो सिंपल है आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड प्लस ऑपरिंट ऑपरेंट ठीक है तो नाउ अगर आपका ऑप कोड में सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड या रजिस्टर्स हों तो दिस इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन ठीक लाइक दिस वन ठीक है ऑप कोड है और रजिस्टर है नाउ अगर आपका ऑप कोड प्लस एट बिट डेटा हो तो दिस इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन ठीक फॉर एग्जाम्पल दिस वन ठीक नाउ अगर आपका ऑप कोड प्लस सिक्सटीन बिट डेटा है सिक्सटीन बिट लाइक दिस तो दिस इज थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन ठीक क्लियर तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कि वट इज द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर ऑपकोड सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड हो या उसके साथ ऑपरिट में रजिस्टर हो तो दैट इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन ऑपकोड प्लस एट बिट डेटा हो तो दैट इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन एंड ऑपकोज प्लस सिक्सटीन बिट डेटा हो तो दैट इज थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन नाउ फर्स्ट पार्ट इज डन ठीक है ये मैंने आपको बाइट्स बता दी क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड या एड्रेस तो आप तभी लिख पाओगे जब आपको बाइट्स का कैलकुलेशन आता होगा नाउ अब हम क्या करेंगे अब हमें रजिस्टर ऑफ कंटेंट पता करने तो रजिस्टर ऑफ कंटेंट हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता हो ठीक नाउ एल एक्स आई एच का मीन्स क्या है लोड इमीडिएट डेटा इन एच एल पेयर ठीक है तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इमीडिएट डेटा मीन्स कि जो डेटा आपके इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है एच की वैल्यू एल की वैल्यू वैल्यू मीन्स की क्रॉस क्रॉस कहां जाएगा एच में और फिफ्टी फाइव विल बी लोडेड इन एल मीन्स की कंटेंट ऑफ एच हो गया क्रॉस क्रॉस और कंटेंट ऑफ एल हो गया फिफ्टी फाइव एच ठीक है नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इसका मीन्स क्या हुआ एम वी आई एम कॉमा एट ए मीन्स मूव इमीडिएट डेटा इन मेमोरी पॉइंटर ठीक है इन मेमोरी पॉइंटर नाव वट इज मेमोरी पॉइंटर जो लोकेशन एच एल पेयर में होता है दैट इज मेमोरी पॉइंटर ठीक मीन्स की आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन जो एट ए था दिस विल बी स्टोर्ड एट क्रॉस क्रॉस फाइव फाइव एच ठीक कहने का मीन्स है अगर आपकी ये मेमोरी है और दिस इज द लोकेशन क्रॉस क्रॉस फाइव फाइव एच तो दिस एट ए विल बी सेव हेयर क्लियर ये हो जाएगा अगर ये आपकी मेमोरी है नाउ एम बी आई ए सेवेंटी सिक्स मीन्स मूव इमीडिएट डेटा इन एक्ूमोलेटर तो यहाँ क्या होगा जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एक्ूमोलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन सिक्स एच ठीक मीन्स की कंटेंट ऑफ एक्ूमोलेटर क्या होगा सेवनटी सिक्स एच नाव अब हमारा क्या है एड एम एड एम का मीन्स होता है एड द कंटेंट ऑफ मेमोरी पॉइंटर विद द कंटेंट ऑफ एक्मलेटर मीन्स ये क्या परफॉर्म करता है कंटेंट ऑफ ए के साथ कंटेंट ऑफ एम को एड करता है और जो रिजल्ट आता है उसे कहाँ स्टोर करता है इन एक्ूमेलेटर ठीक तो नाव अब हम यहाँ पे हमें एक्यूमलेटर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी तो हमें ये एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक एक्यूमोलेटर में क्या है सेवेंटी सिक्स हमने लिखा कंटेंट ऑफ एक्मलेटर सेवेंटी सिक्स बाइनरी में क्या होगा जीरो वन 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 और इधर क्या हो जाएगा जीरो वन वन जीरो नौ अब हमारा एम का कंटेंट क्या है ठीक है एम मीन्स की दिस मेमोरी पॉइंटर यहाँ पर क्या है एट ए तो कंटेंट ऑफ एम जो है दैट इज एट ए आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो और बाइनरी में मैं दोनों बता देती हूँ आपको बाइनरी में एट को हम लिखते हैं वन जीरो 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 और टेन को लिखते हैं वन जीरो वन जीरो क्लियर ये बाइनरी में ये हेक्स में अगर हम हेक्स में ऐड करते हैं तो 6 a a इज 10 6 इज 6 तो 10 प्लस 6 इज 16 और 16 को हम क्या लिखते हैं 10 मींस कि यहाँ क्या आएगा 0 कैरी कहाँ आएगी यहाँ पर तो 1 प्लस 7 8 8 8 16 तो अगेन 16 आ गया मींस 10 तो दिस इज द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर ठीक नाउ अगर मैं बाइनरी में सेव करूँ, तो क्या होगा 0 प्लस 0 0 1 1 0 कैरी आई 1 प्लस 1 0 कैरी आई वन प्लस वन जीरो कैरी आई ठीक ना वन प्लस वन जीरो कैरी आई वन प्लस वन जीरो कैरी आई वन प्लस वन जीरो कैरी आई वन प्लस वन जीरो और कैरी ठीक तो एक्यूमलेटर हमारा एट बिट का रजिस्टर होता है तो ये लास्ट की एट बिट यहाँ पर स्टोर होंगी मीन्स की कंटेंट ऑफ एक्ूमलेटर क्या होगा जीरो जीरो एच ठीक आफ्टर एक्जीक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन नाउ अभी हम फ्लैक्स के वैल्यूज लास्ट में डिस्कस करते हैं नाउ का means क्या होता है स्टोर द कंटेंट ऑफ एट दिस लोकेशन ठीक नाउ एक्टर कंटेंट ऑफ एक्मिलेटर जो होगा उसको हम स्टोर करेंगे एट क्रॉस क्रॉस फाइव फाइव मीन्स की जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस लोकेशन का जो प्रीवियस डेटा था वो रिमूव होगा और वहां पर न्यू वैल्यू फीड होगी वो क्या है जीरो जीरो

नाउ यहाँ हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ हमारा पैरिटी फ्लैग और यहाँ पर हमारी कैरी फ्लैग होती है और ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे अनडिफाइंड होते हैं जिनको हम जीरो लेते हैं मोस्टली तो नाउ अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं जो अर्थमेट्रिक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है एड एम ये हमारी फ्लैग के स्टेटस को अपडेट करेगा नाउ चेक करते हैं इस अर्थमेट्रिक ऑपरेशन में जो हमारी एमएसबी बिट ठीक है उसकी वैल्यू क्या है जीरो मीन्स की साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी जीरो नाउ हमारे जो एक्मलेटर के कंटेंट हैं ये आठ बिट आठ के आठ जीरो हैं ऑल बिट्स आर जीरो मीन्स की जेड फ्लैग क्या होगा वन ठीक अगर इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो होता तो ये जीरो होता बट ऑल बिट्स आर जीरो दैट्स वाई जेड फ्लैग की वैल्यू क्या होगी वन नाउ इज द फंक्शन ऑफ कैरी कैसे कैरी कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपकी कैरी इस बिट से इस बिट पर ट्रांसफर होती है तो वहां पर वन होता है और यू कैन से अगर लोअर नेबल से अपर नेबल पर कैरी ट्रांसफर होती है तो ऑक्सिलरी कैरी हाई होती है तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो सिक्स प्लस एक या जीरो कैरी यहां ट्रांसफर आई दिस वाज लोअर निबल और अपर नेबल आई तो मींस की एसी की वैल्यू क्या होगी वन नाउ पी नंबर ऑफ पी को हम नंबर ऑफ वंस को चेक करते हैं बट इन इन दिस केस देयर इज नो वन तो हम इसे इवन मानेंगे ये हमारा पैरिटी फ्लैग होता है तो पी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी वन ठीक नाव वट इज द कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग हमने जब नंबर का समीशन किया हमारे नंबर्स एट एट बिट के थे बट जो रिजल्ट आया वो नाइन बिट का आया मीन्स की एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुई मीन्स की कैरी जनरेट हुई तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन नाउ अब जहाँ पर डोंट केयर थे मैं वहां पर पुट कर देती हूँ जीरो ठीक है क्लियर तो अगर आपसे फ्लैग्स की स्टेटस पूछी जाती है तो एस एफ इज इक्वल टू जीरो जेड एफ इज इक्वल टू वन ए सी इज इक्वल टू वन पी एफ इज इक्वल टू वन सी एफ इज इक्वल टू वन ठीक और अगर आपसे फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट पूछा जाता है तो आप इसको एक्स में लिख दें फोर फोर की ग्रुपिंग में तो ये फोर की ग्रुपिंग से क्या बनता है फाइव और यहाँ क्या बनता है फाइव मीन्स की आंसर क्या हो जाएगा फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट क्या हो जाएगा फाइव फाइव एच Okay. Thank you so much. Still, you have any doubt related to this topic or any other topic? Please write down in comment section. Thank you.